Yes, let's begin. From the following particulars, question number 6, I will just be writing plus or minus. Matter I will be discussing with you what to write in the particulars column. This is particulars column, this is plus, this is minus. You can write it positive or negative as well. So on 31st December 2017, a merchant's passbook shows. Passbook ke credit balance ka matlab positive hai. ठीक है, पॉजिटिव में लिखिए 5400। सोचेंगे किसके अकॉर्डिंग, जब कभी भी कैशबुक के अकॉर्डिंग सोचना होता है ना, बहुत आसान है क्योंकि हमने कैशबुक का पूरा चैप्टर किया हुआ है, हमें सोचना आता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए जी। अ कंपैरिजन ऑफ द एंट्रीज विद कैशबुक रिवील्ड दैट ही हैड पेड इन चेक्स। 600 रुपए के चेक इसने बैंक में जमा करवाए थे, जिसमें से 240 के चेक हुए तो हैं लेकिन 3 जनवरी को जाके हुए। पहले सोचेंगे, जैसे ही आपने चेक भेजे आपने कैशबुक बढ़ा ली, बैंक में 240 से कैशबुक अभी तक नहीं बढ़ी, इट मींस कि 360 से बढ़ चुकी है, डिफरेंस आना है। एग्जैक्ट अमाउंट आई कांट टेक, 240 अभी तक बैंक में नहीं बढ़ा, उसने बता दिया ये 3 जनवरी को बढ़ा, मैं तो 31 दिसंबर तक बना रही हूं भाई अपना BRS। इट मींस कि क्या करूं, 240 से मेरी कैशबुक बढ़ चुकी है लेकिन पासबुक क्या है, डाउन है। मैं सोच किसके अकॉर्डिंग रही हूं, कैशबुक के अकॉर्डिंग। कैशबुक में अगर प्लस है तो यहां पे भी प्लस करो, 360 360 दोनों में मैच है। अगर वो 240 के बारे में बता रहा है, इट इज ऑब्वियस कि डिफरेंस हो गया होगा 31 दिसंबर तक, एम आई राइट? ठीक है, सो व्हाट आई टुक, नीदर दिस अमाउंट नोर द डिफरेंस, आई टुक दिस अमाउंट। यू नीड टू ट्रांसलेट इट फर्स्ट, you need to get what to do, then start putting the item, and that you will learn with practice only. क्यों डिफरेंस नहीं लिया मैंने, क्योंकि उसने बोला ये नहीं हुआ, तो पर्टिकुलर्स में नेगेटिव वाली चीज तो मैं लेती हूं, जो नहीं हुआ वही तो करना है, जो एक बुक में नहीं हुआ दूसरी बुक में भी वैसा कर दो तो बात बन जाएगी ना। ठीक है, पासबुक में ये क्या रहा, कम, लेकिन कैशबुक में क्या है, ये बढ़ा रहा है, तो इसमें भी बढ़ा दो, बात बन जाएगी, डन। चलो जी आगे पढ़ो, नेक्स्ट, रीजेक्ट, मेक अप योर माइंड। ही हैड इशूड 1500 के चेक इशू करे, जैसे ही चेक इशू करे सीबी डाउन, ऑफ विच ही फाउंड 460 का चेक 1 जनवरी को जाके क्या हुआ है, डेबिट हुआ। इट मींस कि 466 से आपकी पासबुक बढ़ी रही, अगर वो 1 जनवरी को जाके हुआ है, मींस अभी तक नहीं हुआ। मैं सोच किसके अकॉर्डिंग रही हूं, कैशबुक में 466 क्या हो चुका है, डाउन, तो इसमें भी माइनस, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर जैसा पॉइंट, लेकिन रिवर्स ट्रीटमेंट। ऊपर वाले पॉइंट में चेक डिपॉजिट थे, यहां पे चेक क्या है, इश्यूड है। आगे चलो, There was a debit. पासबुक में डेबिट का मतलब क्या है, बोलो जी आशा, पासबुक में डेबिट का मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक है, पासबुक में 15 रुपए माइनस हो चुके हैं, मैं कैशबुक के अकॉर्डिंग सोच रही हूँ, कैशबुक में बढ़े हुए हैं तो बढ़ा दो, डन। आगे चलो, 35 रुपए बैंक में क्रेडिट है, नलिन, बैंक में क्रेडिट का मतलब बैंक में 35 रुपए बढ़े हुए हैं लेकिन कैशबुक में क्या है, कम है, इसमें भी कम कर दो, क्योंकि हम कैशबुक के अकॉर्डिंग सोच रहे, वी आर reconciling our passbook balance with cashbook. So whatever has been done in the cashbook, do it here. Whatever has not yet done in the cashbook here, यहाँ पे क्या कर दो, minus कर दो, ठीक है? चलो जी, this side seems to be greater. 5, 5, 6, 5, 6, double 5. What we have to deduct, इसका भी total अलग से कर लो. This is 11. 501. Answer check करो. बिल्कुल ठीक. 5154 और इसके पैरेलल क्या लिखेंगे, ये तो मैंने आपको प्लस माइनस करने के लिए ऐसा किया, अदरवाइज दिस यू हैव टू डू इन योर वर्किंग नोट्स। और इसके पैरेलल ये वाला बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, और इसके साथ क्या लिखेंगे पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में, बैलेंस एज पर कैश बुक, विच बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट बिकॉज पॉजिटिव साइड इज ग्रेटर देन नेगेटिव साइड। कैश बुक के डेबिट का मतलब क्या होता है, yes, बस ये आपको नेचर सिखाई हुई है। पासबुक के डेबिट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, डन। चलो जी सेवेंथ करते हैं, सेवेंथ यू डू इट ऑन योर ओन, स्टार्ट डूइंग सेवेंथ।
आई विल चेक. सेवेंथ अपने आप करो. Increase my cash book, isn't it? मैंने अपनी कैश बुक को क्या कर लिया? इंक्रीज कर लिया 4250 से. अपवर्ड एरो मींस मेरी कैश बुक बढ़ गई. आगे क्या हुआ? बैंक ने बस कोई डिफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं सोचना. बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया. पासबुक में क्या है? डाउन है. मैं कैश बुक के अकॉर्डिंग सोच रही हूँ. कैश बुक में प्लस है तो प्लस करो, बस बात खत्म. हाउ इजी इट इज? हम पहले इंस्टेंस में सोचते ही हमेशा कैश बुक के अकॉर्डिंग है. कैश बुक में बढ़ गया तो यहां पे भी बढ़ा दो. आगे चलो. दो चेक्स और थे, 1000 का और 500 का. मैंने दोनों का टोटल किया, 1500 आया. मैंने अपने क्रेडिटर्स को इशू करे, लेकिन वो लोग अभी बैंक में निकलवाने नहीं आए. जैसे ही मैंने अपने क्रेडिटर्स को चेक इशू करे, मैंने सीबी डाउन कर ली. मैं सोच भी तो सीबी के अकॉर्डिंग रही हूँ. पासबुक बढ़ी है तो बढ़ी रहे, मैं सोच किसके अकॉर्डिंग रही हूँ? सीबी के अकॉर्डिंग. सीबी में डाउन है तो इधर भी डाउन. डन. फिर से कोई डिफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं सोचना. सिंपल ग्रैंड अमाउंट, ग्रैंड टोटल आई एम टेकिंग. नेक्स्ट, बैंक ने 150 कमीशन कलेक्ट करी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कलेक्टेड? बैंक हैज कलेक्टेड आर कमीशन ऑन आर बिहाफ. मींस हम लोगों ने किसी से कमीशन लेनी होगी, बैंक ने हमारी कलेक्ट कर ली. पासबुक बढ़ गई. पासबुक बढ़ी है, कैशबुक तो डाउन है ना. ठीक है, 150 से कैश बुक डाउन है तो डाउन में लिखो. आगे चलो. हाँ, आगे उसने क्लैरिफाई भी कर दिया, क्रेडिटेड टू आर अकाउंट. बस जी बनाओ, खत्म. 142050, ये 1650 माइनस करो 00, दिस इज 613. देखो 12600 आंसर है. इज इट मैचिंग विद योर बुक? फिर से पॉजिटिव टोटल इज मोर देन द नेगेटिव टोटल, सो अगेन द पॉजिटिव आंसर वी विल गेट, which we call debit balance as per cash book, or only balance as per cash book will go. Lekin MCQ mein he can ask you the nature, which type of balance it is. Then you have to identify, is it debit or credit. Next question all of you will do. Eighth question karna shuru karo. It's your turn again. Start eighth question everyone.